अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने जा रही है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक साल पहले जहां से जजों ने स्टैंड लेना शुरू किया आईएसआई के ख़िलाफ़, और जो केस उस स्टैंड की वजह बना, वो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ बादशाह सलामत ने एक घटिया वार किया था। ये वार जो इमरान खान के दुश्मन इमरान खान पे 25 साल से कर रहे हैं, इमरान खान के बादशाह ने एक टीरियन वाइट केस बनवाया। किसी साजिद नामी बंदे को, जिसके आगे पीछे कौन है किसी को पता नहीं है, जो एक भी पेशी पे कभी पेश नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों रुपये के वकला उसको करके दिए और वो उस केस की पैरवी करते रहे। नाज़रीन इकराम, अब इससे क्या निकल कर आने वाला है? 6 जजेस और आईएसआई आमने सामने हैं। क्या आवाम को डबल क्रॉस तो नहीं किया जा रहा? इस खदशे से भी आपको आगाह करता हूं। बाकी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जाली अकाउंटों वाले पाकिस्तान का कौन सा बड़ा असासा खरीदने जा रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, बड़ी गेम है, आपको आगाह करता हूँ। पहले ज़रा हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मेंबर लार्जर बेंच बना दिया है जो इमरान खान का टीरियन वाइट केस सुनेगा। इस केस में 3 जजेस का बेंच बनाया गया है। इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और मिसिस जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज साहिबा हैं। ये 3 मेंबर बेंच टीरियन वाइट केस सुनेगा। इस बेंच में वो तीनों जजेस हैं जिन्होंने आईएसआई के खिलाफ खत लिखा। इसका मतलब तो यही लेना चाहिए कि ये तीनों जज आईएसआई की डिक्टेशन नहीं लेंगे और इमरान खान के खिलाफ टीरियन वाइट केस कूड़ेदान में चला जाएगा और वंस एंड फॉर ऑल ये केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इमरान खान हमेशा के लिए सुर्खरू हो जाएंगे। बज़ाहिर तो ये है, क्योंकि याद रहे यही केस बुनियाद बना था किस चीज का। अब मैं आपको जजों के खत में से वो हिस्सा बताने लगा हूं जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा। जस्टिस आमिर फारूक ने 30 मार्च 2023 को टीरियन वाइट को केस को काबिल समात करार दिया था, जबकि बेंच में मौजूद बाकी 2 जजेस ने टीरियन वाइट केस को नाकाबिल समात करार दे दिया था और यह सर्कुलेट भी हो गया था फैसला इनका। फिर कहते हैं कि कंसिडरेबल प्रेशर वॉज ब्रॉड टू बेयर ऑन द जजेस हु हैड ओपिनियन दैट द पिटिशन वॉज नॉट मेंटेनेबल, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया उन जजेस के ऊपर जिन्होंने ये फैसला दिया कि टीरियन वाइट केस नाकाबिले समात है। किसकी तरफ से प्रेशर आया? आईएसआई की जानिब से, जिन्होंने किसी का रिश्तेदारी हुआ कर लिया, किसी के बेडरूम्स में कैमरे लगा दिए, किसी का बहनोई उठा लिया, किसी का बाप उठा लिया, यानी इस तरह से जजों के साथ किया गया। किस केस में? टीरियन वाइट केस में। बुनियादी तौर पर बादशाह इमरान खान को जलील करना चाह रहा है जब से उसको ये ओहदा मिला है। मैंने आपको बताया था कि ये इमरान खान की लेगेसी ख़राब करना चाहते हैं, इमरान खान को बेसिकली बेइज्जत करना चाहते हैं कि ये तो करप्ट है, ये जानी है, इसका करैक्टर बुरा है। इद्दत वाले केस में क्यों सजा दिलवाई? क्योंकि इमरान खान के करैक्टर को मलाइन करना चाहता है बादशाह, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो अवाम इससे दूर हो जाएगी। इसलिए आईएसआई ने बहुत ज़्यादा प्रेशर जो जजों पे डाला पिछले एक साल में, वो टीरियन वाइट केस था। मेरी जहाँ तक छठी हिस कहती है कि इस केस से पहले एक नामालूम अमेरिका गया था और उसने वहाँ कुछ टाइम गुजारा था और उसके बाद ये केस हुआ था, जिससे मुझे ये खदशा है कि खुद वहाँ से जाके इन्होंने कोशिश की कि कोई मालूमात हम वहाँ से निकाल कर लाएं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सके। खुद बड़ा नामालूम गया था। आप तारीखें निकाल कर देख लें, गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये इमरान खान के बुनियादी तौर पर किरदार पर कीचड़ उछालना चाह रहे थे। इस पर पूरा इल्ज़ाम है कि इस प्रेशर और ब्लैकमेलिंग की वजह से एक जज को हाई ब्लड प्रेशर हो गया और हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ा। इसी केस की वजह से इतना दबाव डाला गया आईएसआई की जानिब से। और 9 मई से 7 दिन पहले इस हवाले से चीफ जस्टिस को आगाह किया गया। अभी 9 मई नहीं हुआ था और बादशाह सलामत जजों पे दबाव डाल रहे थे कि इमरान खान को सजा दो इस केस में। फिर 3 मई 2023 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मिले और उन्हें अपने कंसर्न से आगाह किया कि क्या हो रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो DGC से मिले हैं और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि कोई भी
आईएसआई का ऑफिशियल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को अप्रोच नहीं करेगा, यानी ये नहीं कहा कि कभी आईएसआई ऑपरेटिव्स ने अप्रोच नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ्यूचर में नहीं करेंगे। आगे वो लिखते हैं कि द इंटरफेरेंस ऑन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हाउएवर कंटिन्यूड, यानी इस यकीन दहानी के बावजूद आईएसआई के ऑपरेटिव्स की इंटरफेरेंस मुसलसल जारी रही हमारे अदालती मामलात में। कहां से शुरू हुई यह लड़ाई? 6 जजेस और आईएसआई की टीरियान वाइट केस में। इसलिए यह सब मैंने आपको बताया कि आपको इसका बैकग्राउंड पता चले। अब इस बैकग्राउंड के बाद मैं आपको बताता हूं कि आगे दो सूरतें निकल सकती हैं, वन और द अदर। एक का 90-99% चांस है कि यही सूरत है, और मैं 1% हमेशा बैड साइड को देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूं कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं आपको पहले बेस्ट बताता हूं। बेस्ट तो इसका आउटकम ये है कि जो 3 जजेज हैं जिन्होंने खत लिखा, जिन्होंने बताया कि आईएसआई इस केस में मुदाखलत कर रही है, अब केस उन्हीं के पास लगा है जिन्होंने कहा कि मुदाखलत हुई है। अब वो इस केस का मेरिट पर फैसला देंगे, मेंटेनेबल करार नहीं देंगे और ये दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। ये तो है इसकी पॉजिटिव साइड, लेकिन हर एंगल से देखना चाहिए। देखें, हम पाकिस्तान के माहौल को अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान का माहौल कैसा है। पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखें, कौन सोच सकता था कि असद उमर उन पहले लोगों में होंगे जो इमरान खान को छोड़ देंगे? किसने सोचा था इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये सब इमरान खान को छोड़ देंगे? फवाद चौधरी ने दौड़ लगा दी, सदाकत अब्बासी, आमिर कियानी, जिनके लिए इमरान खान बाकियों से लड़ लड़ कर उन्हें ओहदे देते थे पार्टी में, वो छोड़ गए। फरूख हबीब, उस्मान डार, सब ने देखा क्या हुआ। तो हमें कुछ पता नहीं होता कि पीछे क्या चल रहा है। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चांस हर चीज़ का होता है। इसलिए मैं आपको 45-50 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो को फौज ने खुद कत्ल नहीं किया, ये याद रखिएगा। तो फिर कैसे कत्ल हुआ जुल्फकार अली भुट्टो का? जजेस को कोर्स करके, मैनेज करके उनसे फैसला करवाया गया। लेकिन तब से लेकर अब तक सब यही कहते हैं कि फौज ने यह अदालती कत्ल करवाया। किस पर जिम्मेदारी आती है? फौज पे। एक दाग लगा हुआ है जो कभी साफ नहीं होता। जैसे 71 का दाग साफ नहीं होता, ऐसे भुट्टो को कत्ल करने का दाग भी साफ नहीं होता। बहरहाल, पॉजिटिव आउटकम यह है कि ये जजेस इस केस को डिसमिस कर देंगे, और यह भी हो सकता है कि लिख दें इसमें कि आईएसआई ने पास्ट में ये इस केस के साथ करने की कोशिश की, और फैसले का हिस्सा इसको बना दें। यह भी हो सकता है, मुमकिन है। काजी साहब को आप देख लें, फैसले किसी और केस पर दे रहे होते हैं और बीच में इमरान खान का कोई लुच तल देते हैं हमेशा। तो ये जजेस भी हो सकता है आईएसआई का जिक्र कर दें फैसला देने में। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम एक ऐसे फितने के दौर में रह रहे हैं कि कुछ भी मुमकिन है। वट इफ दिस इज द बिगेस्ट प्लान आईएसआई हैड एवर मेड? वट इफ दिस इज द मोस्ट इंजीनियस प्लान एवर मेड? और वो ये है कि 6 जजेस ने खत में लिख दिया, 6 जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी हो रही हैं, लड़ाई सब देख रहे हैं। अब अगर इमरान खान को किसी बड़े केस में, फॉर एग्जांपल कोई क्योंकि हिंट दिया था नुसरत जावेद ने शायद के रियासत के खिलाफ बगावत का केस बनाना है इमरान खान पर, निचली केस से हो, निचली अदालत से होगा केस या हाई कोर्ट सुनेगी ऐसा केस, क्या होगा? रियासत के खिलाफ बगावत का केस कौन सुनेगा? वही जजेस जो आईएसआई के खिलाफ हैं, ये केस उन्हीं के पास लगे और वो कहें कि हाँ, इमरान खान पे रियासत से बगावत साबित होती है 9 मई वाले दिन। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 0.001%। लेकिन क्या होगा इस फैसले पे? कोई ये नहीं कहेगा कि ये फौज ने फैसला करवाया। सभी कहेंगे कि ये तो बड़े ईमानदार जजेस थे, ये तो आईएसआई के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये सिर्फ चांस बता रहा हूं, वरना मैं फिर दोहराता हूं कि डायरेक्ट इसका आउटकम यही निकलना चाहिए, यही से पता चल जाना चाहिए कि ये डिसमिस करेंगे, ये जजेस स्टैंड लेंगे सिस्टम के खिलाफ। जो जजेस खड़े हो गए हैं, ये खड़े रहेंगे, लेकिन हर एंगल को कम अज कम जेहन में रखना चाहिए, कम अज कम सियासी तौर पर किसी पे एतबार ना करें। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ की सारी क्यादत एक लाइन में खड़ी है। असद कैसर खड़े हैं, बैरिस्टर गौहर खड़े हैं, शेर अफजल मरवत खड़े हैं, शानदाना गुलजार खड़ी हैं, आतिफ खान खड़े हैं, 2-4 और लोग हैं पीछे, वकास अकरम, शेख वकास अकरम खड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस नून लीग करवा रही है। हालांकि सब जानते हैं कि इसके असल मुहर्रकात
और हैं, और ये फाइट वही है जिसका मैं पहले जिक्र कर आया हूं 6 जजेस के खत के हवाले से। तो अब देखना ये है, ये केस इन 3 जजेस के बेंच के पास लगा है, इसका आउटकम क्या होता है और इस जंग का इख्तिताम कहां पे होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।